दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए JMT न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख पाए लेटेस्ट न्यूज वीडियोस सबसे पहले। बॉलीवुड में सनी देओल के बहुत सारे फैंस हैं। उनका कहा हुआ डायलॉग कि यह 2.5 किलो का हाथ जब किसी पर पड़ता है तो वह आदमी उठता नहीं उठ जाता है। जी हाँ, आज हम आपको सनी देओल के बारे में कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आपको हम बता दें कि सनी देओल एक दमदार अभिनेता है। इन्होंने बॉलीवुड को बहुत ही जबरदस्त फिल्में दी है और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। लेकिन आज हम आपको उनकी सौतेली बहन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आपको हम बता दें कि सनी देओल बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के बेटे हैं। धर्मेंद्र ने 1954 में प्रकाश कौर से शादी की थी, जिनसे दो बेटे सनी देओल और बाबी देओल है। लेकिन धर्मेंद्र और प्रकाश के रिश्ते में खटास के कारण उनका तलाक हो गया और उस समय धर्मेंद्र बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के साथ अफेयर के चक्कर में सुर्खियों में थे और 1979 में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी भी कर ली और इन दोनों से इन्हें दो बेटी ईशा देओल और आहना देओल हुई। आपको बता दें कि वैसे तो सनी देओल बहुत कूल स्वभाव के हैं, लेकिन जितने वह मासूम है उतने ही दिलजले हैं। आपको यह जानकार हैरानी होगी कि सनी देओल और बाबी देओल ने ईशा देओल और आहना देओल से कोई भी वास्ता नहीं रखा, क्योंकि वह धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के रिश्ते को लेकर सदमे में थे और उनसे बेहद खफा भी थे। बता दें कि धर्मेंद्र और सनी में बहुत ही अच्छा ही रिश्ता है और दोनों एक साथ देखे जाते हैं, लेकिन सनी देओल और ईशा देओल को कभी भी साथ नहीं देखा गया है। अगर हम उम्र की बात करें तो सनी देओल की उम्र 61 साल है और हेमा मालिनी की उम्र 69 साल है, मतलब दोनों के बीच सिर्फ और सिर्फ 8 साल का ही अंतर है। आपको बता दें कि ईशा देओल बॉलीवुड में उतनी ज्यादा सफल नहीं हुई जितनी सफलता सनी देओल और ईशा देओल को बॉलीवुड में मिली है।